Hey guys, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि आज विद्युत जामवाल की मूवी क्रैक थिएटर्स में रिलीज होगी। और पर्सनली यार मुझे तो इस मूवी से काफी ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी कि ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा धमाके करने वाली है, लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को थिएटर में देख के आ चुका हूँ। और सच बताऊँ यार, मेरा थिएटर में एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस मूवी का जो एक्शन है ना वो काफी जबरदस्त है। सच में यार, एक्शन के कारण ये मूवी थिएटर लिए ही बनाई गई है। मुझे नहीं लगता कि ये मूवी लैपटॉप या मोबाइल वगैरह पर उतना मजा आने वाला है। तो अगर आप थिएटर गोइंग ऑडियंस हो ना, तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को थिएटर्स में चेकआउट करना चाहिए। जहाँ तक बात है इस मूवी के कलेक्शन की, तो डेफिनेटली कलेक्शन ऐसे कुछ नहीं आने वाले जो आपको शौक या सरप्राइज कर देंगे। उस तरह के कलेक्शन रहेंगे जिस तरह की आप सभी ने उम्मीद करी होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि विद्युत जामवाल का बॉक्स ऑफिस पुल उतना बड़ा नहीं है। तो वो बात अलग है कि अगर ये मूवी के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो शायद ये मूवी अपना एक बस क्रिएट कर दे ग्राउंड लेवल पर, मूवी देखने जाएं लोग। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये मूवी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। जहाँ तक बात है आज के कलेक्शन की, आज ये कितना कलेक्शन कर सकती है, मेरे ख्याल से 3.5 से 4 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन आने वाला है। इससे ज़्यादा कलेक्शन की उम्मीद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आएगा ना तो एक ऐसा फील होगा कि 2 साल तक जो लोगों ने नेपोटिज्म कराया ना, उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ। क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, ये है वो है, लेकिन जब भी कोई आउटसाइडर की मूवी आती है तो उसे चेकआउट भी नहीं करते, मतलब देखने तक नहीं जाते। हम विद्युत जामवाल की इतनी बड़ी मूवी आ रही है, लोगों को पता भी नहीं इस मूवी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा कलेक्शन आते हैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा कुछ कलेक्शन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होगा, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।